सर जी। आज की ये प्रेस वार्ता जो गत दिनों गैलेंट समूह और उसके जुड़े निदेशक और उनके वरिष्ठ अधिकारियों के यहाँ जो 26 तारीख से 30 तारीख तक जांच का कार्य संपन्न हुआ है उसके परिप्रेक्ष्य में आयोजित की गई है। मुख्यतः मुझे ये कहना था कि गैलेंट समूह की विकास यात्रा बहुत अच्छी रही है। गत 17 सालों में 25 करोड़ रुपए से लेकर 4000 करोड़ तक का टर्नओवर, 1 करोड़ से बढ़ के 43 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स और 2 करोड़ रुपए से बढ़ के 700 करोड़ रुपए का जीएसटी, इस प्रकार से 18 वर्षों में 350% का ग्रोथ रहा है, इसका हमें संतोष है। करीब करीब 6000 अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कर्मचारी वहाँ कार्य कर रहे हैं जिसके माध्यम से 25000 लोगों का भरण पोषण हो रहा है। इस छापे के दौरान बहुत सारी अखबार में ऐसी सोशल मीडिया में ऐसी सूचनाएं चली हैं जो कि तथ्य से परे हैं। उन्हीं सूचनाओं के बारे में मैं अपनी बात कहने के लिए ही आप लोगों को आज चार दिन कुछ निकल के नहीं आया कोई भी नहीं। रेड करने वाले अधिकारी हमारे व्यवहार से संतुष्ट थे, अब कागजों का तो परीक्षण होना है और वो अपना ड्यू कोर्स में होगा। वो हमसे सवाल जवाब करेंगे, हम उनको जवाब देंगे, उस जवाब से वो संतुष्ट नहीं होंगे तो कर निर्धारण की प्रक्रिया करेंगे, नहीं तो ड्रॉप कर देंगे। ये अभी तात्कालिक रूप से इसका समाधान नहीं होना है। मेला तो मुख्य उद्देश्य ये था कि जो इस तरह की बातें हो रही थी कि साहब 6 करोड़ रुपये नकद जब्त किया गया, वास्तविकता नहीं है, केवल 26 लाख रुपए टोटल कैश मिला है, वह भी वही खातों में दर्ज है। 4 करोड़ की ज्वेलरी के जब्ती की बात आ रही थी जबकि ज्वेलरी उससे बहुत ज़्यादा मिली है लेकिन चूंकि बुक्स ऑफ अकाउंट में दर्ज है तो वो भी उन्होंने कोई जब्ती नहीं की। बातें आ रही थी 250 बेनामी संपत्तियों के कागजात मिले हैं, वह भी बिल्कुल गलत बात थी, एक भी बेनामी संपत्ति के कागजात नहीं मिले हैं। संपत्तियों के पहले कब रेट पड़ा था? 2014 में। 2014 अगले साल भी 2024 का चुनाव है तो क्या चुनाव से जोड़कर आप नहीं, इसको चुनाव से जोड़ने का कोई औचित्य नहीं है। गैरेंट समूह में कितने लोग काम करते हैं? फिलहाल अभी 3000 तो पेरोल पे हैं और 3000 जो है वो इनडायरेक्ट एम्प्लॉइज हैं। सर लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? लास्ट में हम यही कहना चाहेंगे कि जो समाचार पत्रों या मीडिया में जितनी चीज़ें छपी हैं जिनका कि कोई आधार नहीं है उसके बारे में अगर आप लोगों के माध्यम से लोगों तक हमारी बात पहुंच सके कि उनको सही